लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के उच्च पद प्रभार आदेश हुई जारी। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जिला अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षकों उस श्रेणी शिक्षक के उच्च पद प्रभार हेतु दिनांक 23/7/2024 को आयोजित बैठक में सहायक शिक्षकों की वैधता सूची एवं आरक्षण रोस्टर आदि पर विचार उपरांत सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के उच्च पद प्रभार हेतु पात्र पाया गया है। तो यह सहायक शिक्षकों की सूची दी गई है जिन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक बनाया गया है। यह सूची प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो नियम और शर्तें भी दी गई हैं जिनके तहत उन्हें उच्च पद का प्रभार दिया गया है। 15 दिवस के अंदर इन्हें अपने उच्च पद प्रभार वाली संस्था पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि लोक सेवक किसकी जाँच अगर है तो उनके उच्च पद प्रभार आदेश जारी नहीं किए जाएँ। संबंधित लोक सेवक उच्च पद प्रभार की समस्त शक्तियों पर प्रयोग कर सकेगा जिस पर वह पदस्थ किया गया है। आदेशित कर्मचारियों को खंड अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर ही पदस्थ किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेशित कर्मचारियों को आदेशित पद स्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कर्तव्यरूण कराया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। तो यह आदेश जिनके भी शिक्षकों में जारी किए गए हैं उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। 15 दिवस का इन्हें समय दिया गया है। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।